हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा धन्यवाद सबको को आप सब यहाँ आए मेरे से कुछ कुछ सुंदर के लिए क्या कहूं मनोरंजनी बात कुछ मजाक कहूँ उसलिए नहीं आया ज्ञान देने के लिए ज्ञान जिससे आप लाभान्वित होंगे ज्ञान विशाल है भारत का राजधानी है दिल्ली अब सब जानते हैं वो ज्ञान का एक पॉइंट है वो भी ज्ञान है और वाटर पानी उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है आप सब जानते हैं तो यही सब बातें बोलने का जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब जानते हैं बोलने की आवश्यकता नहीं है आप सब सनातन आत्मा है जो अभी एक शरीर में है आपका शरीर का जन्म के पहले आप थे क्योंकि आप सनातन आत्मा है और इस शरीर का छोड़ने के पश्चात आप सब रहेंगे क्योंकि आप सब सनातन आत्मा है आप सब जानते हैं जानते होंगे हिंदू है हिंदू का मतलब क्या है कम से कम वही विश्वास करता है कि पुनरापी जाना नम पुनरापी मारानम पुनरापी जाना नहीं जाटा फिर भी बोलना की आवश्यकता है क्योंकि हम जानते हैं परंतु नहीं जानते हम जीवन व्यतीत करते हैं इस प्रकार जिससे ये जिंदगी सब कुछ ही है और कुछ मुझे बोलना है जो आप सब जानते हैं ओ शरीर जो है मानव शरीर सुंदर शरीर, यही शरीर सुंदर नहीं है थोड़ा थोड़ा सुंदर था पचास साल पहले कौन है सबसे सुंदर बॉलीवुड में भगवान वो ही है लेकिन <laughs> भगवान बॉलीवुड में भी है <laughs> देखिए मनोरंजन हो गया थैंक यू कौन है अभी अब सब जानते हैं कौन कौन फेमस नायिका फिल्म स्टार कौन मृद्विक ऋतिक रोशन. रोशन वो पुरुष है वो नारी नहीं जानते है वो पाएले बहुत पहले रेखा थी <laughs> अभी रेखा बहुत आ गया उसका अच्छा ऐश्वर्याव राय थी श्रीदेवी थी सब थी वाले आ, जितने भी सुंदर हो एक नारी और प्रतिदिन मालमूत्र त्याग करती है आप सब जानते हैं तो फिर भी माया का प्रभाव से सुंदर स्त्री का रूप देखने से हम आकृष्ट होते हैं और जितने भी सुंदर एक शरीर हो सकते तो देहांत होगा और चलाना है यही शर्य की गति है अब सब जानते हैं फिर भी बोलना चाहिए क्योंकि हाँ में बुद्धि, ऐसे ही कि की ये देह मैं हूं वो ही भाव बंधन का मूल कारण है सख्त कारण है इसलिए बोलना चाहिए ज़्यादातर लोग जन बुझ करके वो सब ज्ञान नहीं जानते चाहे वो जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ लेकिन पूरा जीवन ऐसे बिताए जैसे है जिससे मैं ईश्वरीय हूँ अभी खबर में सबसे बराक खबर नया प्रेसिडेंट अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप की कोई जाय नहीं बोलते श्री कृष्ण भगवान की जा हरे कृष्ण कौन है प्रेसिडेंट? वो प्रेसिडेंट जो है कुछ दिन के बाद प्रेसिडेंट नहीं होंगे ऐसे बड़े बड़े लोग आते हैं जाते हैं और उनका नाम भी कोई याद नहीं करते तो so ज्ञान दो प्रकार है शास्त्र में बताया गया है पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या का अर्थ अध्यात्मिक ज्ञान और अपरा विद्या वो भौतिक ज्ञान सब कुछ जो है भौतिक संसार में जो चलते रहते हैं और कैसे चलते रहते हैं और कैसे विज्ञान से गवेषणा से हम और भी प्रगति और विकास कर सकते हैं ये सब भौतिक है और आध्यात्मिक ज्ञान का पहला सोपान यही है यही समझना कि शरीर नहीं रहेगा आत्मा स्थायी है शरीर अस्थायी है सब जानते हैं शरीर अस्थायी है इसलिए हमें इस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए जिससे आध्यात्मिक प्रगति और विकास होगा हम भौतिक संसार में हैं और सभी दिशाओं से प्रेरणा होती है भौतिक सुख भौतिक विकास भौतिक तथा खतित प्रगति के लिए जन्म लेने के साथ साथ एक शिशु को वो गलामी देते हैं यही एक बालक या बालिका है और शुरुआत से ये भारतीय है बालक है बालिका है स्कूल जाना पड़ेगा पढ़ाई करना पड़ेगा गुड जॉब मिलना पड़ेगा पैसा यही सब जीवन है सब कुछ सणक है हमारा सनातन कल्याण कैसे होगा इस प्रकार पूछना चाहिए इसलिए वेदांत सूत्र में पहला प्रस्ताव है अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा बहुत दुर्लभ है मानव जन्म मानव जन्म में केवल मानव जन्म में संभावना है परम सत्य के बारे में जिज्ञासा करना और सब अन्य जीव जाति में खाना फिनना सोना लड़ाई करने ये सब चलते हैं परंतु केवल मानव जन्म में किस प्रकार हम दुख सागर से मुक्त हो सकते यही प्रश्न हम पूछ सकते मैं कौन हूँ क्यों इसी शरीर में हूँ क्यों हम दुख हमें दुख है नहीं चाहते फिर भी दुख आते हैं हम नहीं चाहते बीमार होना कोई है जो चाहते नहीं है कोई नहीं है गरीब होना कुछ लोग है वैरागी जिनके दिल में आध्यात्मिक धन है लेकिन है बहुत लोग जो आजकल अधिकांश लोग तो खाली खाना पीना सोने की व्यवस्था करने के लिए बहुत बहुत संघर्ष मेहनत करते हैं हमारे बीच में ऐसे बहुत ही है और कुछ लोग हैं जो थोड़ा सक्सेसफुल है ज़िंदगी में जो खाना पीना सोने के अलावा तो बड़ी गाड़ी चला सकते यही सक्सेस है परंतु ये सब क्षणिक है जीवन दुखमय है कैसे मानव जन्म प्राप्त करके हम वो उपाय जन सकते हैं, जिससे हम इस उलझन से मुक्त हो सकते हैं। हम कौन है पहले इस प्रकार प्रश्न पूछना चाहिए शास्त्र से हम समझ सकते हैं किसी आधुनिक वैज्ञान का उपाय से आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्ति संभव नहीं है माइक्रोस्कोप से टेलीस्कोप से दुनिया में सबसे पावरफुल कंप्यूटर से आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं मिल सकते शास्त्रों से हम समझ सकते हैं कि हम सब आत्मा हैं और आत्मा का परिचय क्या है ममााय वांशो जीवलोक जीवभूत सनातन भगवद्गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सब जीव कृष्ण के अंश है और भगवदगीता में स्थापित है कि श्रीकृष्ण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान है आत्मा है परन्तु माया का प्रभाव से हम जन्म जन्मांतर भौतिक संसामे संसार में एक से दूसरा एक वो से और भी तीसरा इस प्रकार हम ब्रह्मांड में ब्राह्मण करते हैं पुण्य कर्म करने से हम क्षणिक स्वर्ग सुख भोग कर सकते हैं और पाप करना पाप कर्म करने से हमें नरक जाना पड़ेगा हमारी चेतना के अनुसार हम पाप कर्म करते हैं पुण्य अथवा पुण्य कर्म करते हैं परंतु पाप कर्म करने से पुण्य कर्म करने से भाव बंधन होते हैं पुरुष सुख दुखानम भुक्तृत्व हेतु रुचि थे हमारी चेतना के अनुसार हम अगला जन्म में अनुकूल स्थिति भौतिक सुख देह सुख इंद्रिय सुख के लिए प्राप्त कर सकते हैं अथवा यदि हमारी चेतना में काम क्रोध लोभ मोह मादा मादसार इत्यादि बहुत ही है तो so, हम पाप कर्म करेंगे और उसका फल होगा अधोगति, नीच जन्मा पशु पक्षी वृक्ष ऐसे जन्म प्राप्त करना है स्वर्ग में अथवा में सुख नहीं है में तीव्र दुख भोग, भोगना है और स्वर्ग में वो सुख जो सुख का नाम में चलते वो वास्तविक सुख नहीं है जैसे यहाँ पर पृथ्वी में हम देखते हैं कुछ लोग जो धनी है लेकिन धनी लोग भी सुखी नहीं है धनी लोग तो ज्यादा चिंतित रहते हैं हमेशा अपना इज़्ज़त के बारे में सोचते हैं वो सुख नहीं है मैं शरीर नहीं हूँ आप शरीर नहीं है आपका वास्तविक संबंध शरीर के साथ कुछ भी नहीं है केवल माया से हम सोचते हैं ये शरीर में हूं शरीर नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ आप कौन है आप सनातन आत्मा है श्री कृष्ण भगवान के सनातन दास है वो दास कृष्ण का दास कृष्ण के सेवक कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ तो केवल यही बात स्वीकार करने से हमारा पूरा कल्याण होते हैं केवल यही समझने से और स्वीकार करने से आप सब जानते, कम से कम आप जो सब हमारे सत्संग में आते हैं आप सब जानते होंगे सब जानते हैं फिर भी बोलना चाहिए क्योंकि हमारी स्थिति यही है फर्श नाफी ना फशी ना हम देखते परंतु नहीं देखते सुने लेना ना सुने खान हम सुनते हैं लेकिन नहीं सुनते या हम सुनते हैं स्वीकार करते हैं परंतु चूंकि से हमारी मानसिक वृद्धि विपरीत है इसलिए हम केवल मन में स्वीकार करते हैं <coughs> क्या कैसे हो सकता है क्या हो सकता है जब हम पूरी गंभीरता से कृष्ण भक्ति साधना करते हैं साधना करने चाहिए कौन तीव्रता से साधना करेंगे कृष्ण भक्ति की साधना जो पूरा विश्वास करते पूरा अस्वस्थ होते है कि मेरा जीवन का लक्ष्य है कृष्ण कृष्ण भक्ति कृष्ण सेवा ऐसे so, ही संकल्प करके भी हम माया से वो संकल्प से डाइवर्ट हो सकते क्योंकि विशेष का आधुनिक समाज में बहुत प्रेशर होते है तो पैसा लेना है और मकान खरीदना है और लोन लेना है बच्चे को स्कूल भेजना है उससे भी लोन लेना है हम बहुत प्लानिंग करते हैं यही जीवन के लिए रिटायर होने के बाद मैं क्या करूँगा और oh, बच्चे के लिए और oh, कैसे कॉलेज भेजना वो बहुत प्लानिंग करते लेकिन मृत्यु के बाद उसल हम प्लानिंग नहीं करते वो सबसे महत्वपूर्ण है होता होते क्यों क्योंकि माया से मुक्त होना इतना सरल नहीं है कि एक बार गीता का एक श्लोक सुन के हम पूरा हृदय में ग्रहण करते इसलिए बार बार सुनना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ मैं सनातन आत्मा हूँ मैं भगवान कृष्ण जैसे सचित आनंदमय हूँ और मेरा जीवन का वास्तविक लक्ष्य है श्री कृष्ण की सेवा करना संसार में वो जो जिम्मेदार है हमारे तो so, उसको छोड़ना नहीं, परंतु ओ oh, संसारिक बातें से संसारिक स्थिति से हमारी बुद्धि कृष्ण भक्ति से डाइवर्ट नहीं होना चाहिए इसलिए बार बार सुनना चाहिए गीता का उपदेश भगवान का उपदेश यदि हम जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ परंतु वैसे जीवन वित्त है जिससे मैं शरीर ही हूँ तो हम क्या है मूर्ख तो मूर्ख से जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए इसलिए बार बार सुनना चाहिए गीता से भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं न जायते मृयते वा कदाचि नायांग भूतवा भविता वूय अजो नित्यं शाश्वत यंग पुराण न हन्यते हन्यमय शरीर तो बार बार भिन्न भिन्न शब्द से भगवान कृष्ण एक ही बात कहते हैं कि शरीर अर्थात आत्मा शरीर से भिन्न है शरीर अज अर्थात आत्मा सनातन है अजा शरीर का जन्म होता है आत्मा का जन्म नहीं होता अजो नित्य शाश्वत नित्य शाश्वत ये दोनों शब्द का एक ही अर्थ है बार बार अलग अलग दृष्टिकोण से, अला से भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम सनातन जीव आत्मा है क्यों कृष्ण ऐसे कहते हैं क्योंकि हम मूर्ख है हमें बार बार सुनना चाहिए न जायत और अर्थात जीव सनातन है न मृहत है इसलिए जीवात्मा का मृत्यु नहीं होते, होता कभी भी नहीं होते। शरीर का जन्म और मृत्यु होता है आत्मा का नहीं है ना खराचि कभी भी नहीं होते, किसी भी अवस्था में ना यंग भूत व्य था वो और एक ही बात ही है आ, कभी भी ऐसा समय नहीं था जिसमें वो जीव आत्मा का अस्तित्व नहीं था और कभी भी ऐसा नहीं होगा अजो नृत्य शास्त्र यंग पुराना बहुत ही प्राचीन है जीव अनादि है और शरीर का मृत्यु के साथ आत्मा का मृत्यु नहीं होते हैं बार बार सुनने चाहिए कैसे हम साक्षात्कार कर सकते हैं क्योंकि ऐसे महसूस होते अभी अगर भूख लग रही है तो वो वो यही है और गर्मी के मौसम में ओह यह देश में ओह प्रचंड गर्मी होती हम महसूस करते हैं परंतु समझना चाहिए कि मायक शक्ति जो गर्मी के रूप में आते हैं दाढ़ के रूप में आते हैं भूख के रूप में आते हैं वो मायक शक्ति ये मायक शरीर पर प्रभाव करते हैं परंतु मैं जीवात्मा हूं और मेरा कुछ भी वास्तविक संबंध नहीं है ये माया और सूर्य के साथ कैसे हम साक्षात कर, कर सकते हैं चैतान्य महाप्रभु ने कहा जीव स्वरूप कृष्ण नित्यदास कृष्ण सेवा करने से साक्षात्कार होते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं गीतमय फद्रंग पुष्प फलंग थम यो मय भक्त्या प्रयाचसी तदहंग भक्तिपहृतम अशन में प्रायथात्मा भौचिक चीजों फुल फल पुष्प फल, फल पत्ता, जल, ये सब भौतिक चीज़ों है परंतु यदि हम भक्ति से भगवान कृष्ण को चुराते हैं भगवान कृष्ण ग्रहण करते हैं और वो सब चीज़ जो कृष्ण की सृष्टि है यदि हम भक्ति भाव से कृष्ण को अर्पण करते हैं हम श्री कृष्ण की कृपा का अनुभव कर सकते हैं और इस प्रकार हम साक्षात्कार कर सकते हैं कि मेरा वास्तविक जीवन मेरा वास्तविक परिचय है कि मैं कृष्ण का दास हूँ यही संबंध सनातन है और सब संबंध जो है माता पिता पुत्र पुत्री दोस्त शत्रु यही सब अस्थाई असत यदि हम भक्ति से दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं तो वो संबंध सनातन है क्योंकि वो संबंध का केंद्र बिंदु है श्री कृष्ण श्रवण करने से, सेवा करने से कीर्तन करने से वो तो का आते हैं तो यही बात है आज के लिए आज सोचनीय बात शरीर अस्थायी है मैं सनातन आत्मा कृष्ण का दास हूं आप सब जानते हैं आप सब जानते हैं सब नया दिल्ली भारत का राजधानी है आप सब जानते हैं कि और क्या है एक देश है छोटा सा देश आप सब जानते हैं कि मैं सनातन जीवात्मा कृष्ण का दास हूँ गीता में दो शब्द है ज्ञान विज्ञान ज्ञान का अर्थ सामान्य ज्ञान और, और पुष्ट ज्ञान और विज्ञान का अर्थ जो हम सक्ष कर, सक्ष करता है और गीता में ज्ञान और ज्ञेय वो दो शब्द है ज्ञान विशाल है और ज्ञान में कौन सा ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है जिससे हमारा परम कल्याण होता है वो ज्ञेय है जिसको वो ज्ञात होना चाहिए भौतिक विज्ञान अंकशास्त्र, इतिहास भूगोल वो सब ज्ञान प्राप्त करने से हमारा शाश्वत कल्याण नहीं होगा भगव गीता का ज्ञान से श्रीमद् भगवत का ज्ञान से वो ज्ञान से हमारा शाश्वत कल्याण होगा हरे कृष्ण तो आज का प्रवचन सरल था सरल परंतु जो बल था बहुत ही महत्वपूर्ण है सबके लिए हरे कृष्ण